नमस्कार, मैं हूं राहुल झा। स्वागत है आप सभी का इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। और आईआईडी आज आपको बताने वाला है जामुन जूस बिजनेस के बारे में। तो चलिए इस इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं इस बिजनेस के बारे में कि कैसे आप किन मशीनों के साथ इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ कितना ज्यादा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। जामुन के जूस में फाइबर रिच होने के साथ साथ विटामिन सी और आयरन जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली में बहुत प्राचीन काल से ही इसका उपयोग मधुमेह, हृदय रोग और पाचन प्रणाली में उपचार में किया जाता आ रहा है। अपने इन्हीं स्वास्थ्यवर्धक गुणों के कारण इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। और यदि आप इस व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक लाभकारी व्यवसाय साबित हो सकता है। भारतीय संसाधनों पर आधारित ये व्यवसाय भारत की आत्मनिर्भरता में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। आइए सबसे पहले जानते हैं जामुन जूस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए जरूरी मशीनों के बारे में। इसके लिए आपको बॉयलर, वाटर प्यूरिफायर प्लांट, चिलर, फिलिंग मशीन, कैपिंग मशीन, कैप सीलिंग मशीन और श्रिंक रैप मशीन आदि की जरूरत होगी। इसके साथ ही आप SS टैंक, मिक्सर टैंक, फूड क्रेट्स आदि की जरूरत होगी। लेकिन इसे सेटअप कैसे करना है और कहां से अच्छी और सस्ती मशीनें खरीदें? इस तरह की सभी टेक्निकल डिटेल्स के लिए आप आईआईडी से कांटेक्ट कर सकते हैं। जामुन जूस के व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको लगभग 1200 से 1500 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी, जिसमें से आपको 700 स्क्वायर फीट एरिया प्रोसेसिंग के लिए, कम से कम 500 स्क्वायर फीट एरिया रॉ मटेरियल स्टोरेज के लिए और बाकी एरिया फाइनल प्रोडक्ट स्टोरेज के लिए रखना होगा। आईआईडी की इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री में आगे बढ़ते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं रॉ मटेरियल्स की। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए और उसे प्रॉफिट में चलाने के लिए आपको रॉ मटेरियल की क्वालिटी बेस्ट रखनी होगी, क्योंकि आपका फाइनल प्रोडक्ट इसी पर बेस्ड होता है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको ड्राई जामुन, पेट बॉटल्स, प्रिजर्वेटिव्स एंड पैकेजिंग मटेरियल्स लाइक लेबल्स एंड कार्टन बॉक्सेस आदि की जरूरत होगी। अब बारी है जामुन जूस बनाने के प्रोसेस को अच्छे से समझने का। तो प्रोसेस शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप इस बिजनेस में नए हैं या फिर इसे शुरू करना चाहते हैं तो इसके वर्किंग प्रोसेस को ध्यान से समझें। सबसे पहले ड्राई जामुन मार्केट से प्रोक्योर किया जाएगा, जिसे लगभग 12 घंटों तक बॉयलर में बॉयल किया जाता है ताकि वो जूस बनने के लिए थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। अब बॉयल होने के बाद इन्हें क्रश किया जाएगा और इनका जूस एक्सट्रैक्शन होगा। निकाले गए जूस को फिल्टरेशन प्रोसेस की मदद से फिल्टर करके चिलर में ट्रांसफर करेंगे, जो जामुन के जूस को ठंडा करती है। ठंडा होने के बाद जूस को मिक्सिंग टैंक में मिक्स किया जाएगा और इसके बाद जामुन जूस सीधा फिलिंग मशीन में ट्रांसफर होगा। और आखिरी काम इन्हें पेट बॉटल्स में फिल करके, लेबलिंग करके और पैकेजिंग के बाद मार्केट में भेजने का होगा। इलेक्ट्रिसिटी हर बिजनेस की शुरुआत के लिए अहम रोल अदा करती है, क्योंकि मशीनों को ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। और इस शानदार व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको 10 से 15 किलोवाट इलेक्ट्रिक लोड की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन बैकअप के लिए एक स्टैंड बाय इक्विपमेंट यानी डीजी सेट रखना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आइए अब बात करते हैं मैन पावर की। बता दें कि अगर आप सेमी ऑटोमेटिक इंडस्ट्री को सेटअप करते हैं तो उसके लिए आपको 7 से 8 लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें 2 स्किल, 2 से 3 अनस्किल और अन्य लेबर आदि शामिल हैं। किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए उसमें होने वाली लागत और उससे होने वाले मुनाफे के बारे में पहले जान लेना आवश्यक है। चलिए अब थोड़ी फाइनेंशियल डिटेल्स पर भी नजर डालते हैं। जामुन जूस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को स्मॉल स्केल पर शुरू करने के लिए आपको जिन मशीनों की जरूरत होगी उसकी कीमत लगभग 18 से 20 लाख रुपए है और इन मशीन्स की सिंगल शिफ्ट की प्रोडक्शन कैपेसिटी लगभग 3000 लीटर है। यदि आप दिन भर में 8 आवर्स की शिफ्ट में स्मॉल स्केल पर 1000 लीटर प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं और अगर आप इसे होलसेल रेट पर 75 से 80 रुपए प्रति लीटर में सेल करते हैं तो आपके उत्पादन की लागत लगभग 75,000 रुपए से लेकर 80,000 रुपए होती है।
इससे कच्चे माल और अन्य लागत निकालने के बाद आप लगभग 8000 रुपए से लेकर 10000 रुपए तक आसानी से बचा सकते हैं। इसका मतलब है कि इस क्षमता पर आप महीने में 2 लाख रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। आइए अब समझते हैं लाइसेंसेस के बारे में जो आपके बिजनेस के लिए जरूरी है। GST, FSSAI, उद्यम, ISO और ट्रेडमार्क। बता दें कि ट्रेडमार्क ऑप्शनल होता है। इन सभी लाइसेंसेस के साथ आप आसानी से इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं आप इस बिजनेस को शुरू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा चलाई जा रही सब्सिडी और अनुदान योजनाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। और यदि आप इस बिजनेस के बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो अभी IID से कॉन्टेक्ट करें। IID की मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन की सहायता से आप हमारे वैल्यूएबल मेंबर बनिए और पाइए इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्रीज, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, एक्सपर्ट एपिसोड और ढेर सारी बहुमूल्य सेवाएं। साथ ही डाउनलोड कीजिए हमारे ऐप एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव को और हमारे चैनल एंटरप्रेन्योर इंडिया TV को भी सब्सक्राइब कीजिए। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर।